स्टार्टअप के नाम पर आजकल इंडिया में चाय की दुकानें खुल रही है। इंजीनियर से लेकर एमबीए वालों तक खुद को अपने डिग्री के नाम से ब्रांड बनाना है, पर क्यों? क्योंकि एक फेमस हो गया। हमारे इंडिया में हर साल 100 करोड़ किलो से भी ज्यादा की चाय प्रोड्यूस की जाती है, जिसमें से 80% चाय तो हम इंडियंस ही पी जाते हैं। इसी वजह से एक अच्छा चलने वाला छोटा टी स्टॉल भी 10 रुपए कप के हिसाब से हर महीने 30 से 35 हजार कप बेचता है, जिससे वो 3 से 3.5 लाख रुपए हर महीने कमा लेते हैं। एक तरफ ये चाय वाले हैं और दूसरी तरफ हमारे इंजीनियर्स, जिन्हें 4 साल और मेरे जैसा रहा तो 5 साल घिसने के बाद भी कोई 20,000 की जॉब भी नहीं देता। ऐसी सेम सिचुएशन बाकी फील्ड्स की भी है। ऊपर से स्टार्टअप कल्चर इतना फेमस हो चुका है कि हर किसी को बिजनेसमैन बनना है, पर अगर कोई यूनिक आइडिया नहीं है तो क्या, चलो चाय की दुकान खोलते हैं। और इसी चक्कर में आजकल हर बंदा चाय के आगे बीबीए, इंजीनियर, एमसीए लगाकर खुद का ब्रांड बना रहा है। बट ओरिजिनल वालों की भी रियलिटी आपको नहीं पता है। साला लोग कम और चाय की दुकानें ज्यादा हो गई है, तो आपकी चाय खरीदेगा कौन? इसीलिए चाय के ठेले पे स्टार्टअप का नगाड़ा बजाना बंद करो और फॉलो करो।